ईद की तैयारी है वहाँ पे, इंडिया है ये। बहरहाल ये तो मानने में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमें नफरत बढ़ाई गई है सर, हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। ये हिंदू हमारे इतना खिलाफ है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इधर हमारे इंडिया में मुसलमान हो। फकीर यहाँ पे कम से कम कितना लेते हैं, अगर फकीर को पैसे दिए जाए? फकीर को 10 रुपए दे दे, वो आगे से गालियाँ निकालता है कि एक उसका भला कर दिया है, वो आगे से गालियाँ निकालता है। ये जो खाना आप दिखा रहे थे ना, ये इमरान खान के दौर में हमने खाया है, इससे भी अच्छा खाया है। खाना आपने देखा है, इसकी पाकिस्तान में प्राइस कितनी है? पाकिस्तान में ये तकरीबन 500 से ऊपर ही होगी इसकी। पाकिस्तान में ये महंगा होगा, उधर पाकिस्तान से हट के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं। अगर मैं बताऊं, अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ये भारत की वीडियो, और उसमें ये खाना 1 रुपए का मिल रहा है, पाकिस्तान में कोई ऐसा खाना है जो 1 रुपए में मिलता हो? यस, ये तो बड़ा अमेजिंग है। और खट्टे मीठे आपको पता है, गोल गप्पे उसमें मीठे मजे की जो है चटनियाँ भी हैं, और ये तो मेरे मुँह में पानी आ गया देख के। वो जैसे वो सर्व करते हैं ना, वो सिंगल सिंगल शेल दे के, मैं लाजमी ट्राई करना चाहूँगी। कौन सा स्टेट विजिट करना चाहेंगी? मैं गोवा, वहाँ के काजू बहुत मशहूर हैं। अच्छा। वो सर्च है आप? हाँ, और वो सस्ते भी हैं वहाँ पे, सुना है, तो वो लेना पसंद करूँगी। साड़ियाँ कोई सीन नहीं है? नहीं, वो साड़ियों का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे लखनवी कुर्ते जो हैं वो बहुत है, और ज्वेलरी भी मैंने देखा उनकी जो सिल्वर ज्वेलरी ऑक्सीडाइज वो बहुत अच्छी होती। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाला हूँ, ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, ये वीडियो है ईद के दिनों की। ईद के दिनों में दोस्तों भारत में जो खाने पीने की सामग्री थी उनको सस्ता कर दिया था। पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो भारत के खानों को बहुत देखकर काफी ज्यादा दीवानी हो रही हैं, और जिस तरीके से भारत में 1 रुपए की थाली मिलती है उसके भी पाकिस्तान में बहुत बड़े लोग फैन हो रहे हैं कि भारत में इतना सस्ता खाना कैसे हो सकता है, वो भी दोस्तों ईद के दिनों में। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भारत में कीमतें घट जाती हैं ईद के दिनों में, पाकिस्तानों में उसका उल्टा होता है, ईद के दिनों में वहाँ पर जो प्राइजेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, पहले वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। भारत का मुकाबला हम नहीं कर सकते, जितना बड़ा मुल्क वो है उसका मुकाबला चाइना से बनता है, क्योंकि उसकी आबादी भी ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ। अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। यह फौज है, फौज की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। जहाँ में जाए, जिस फील्ड में जाए, फौज फौज है वहाँ पे। क्या लग रहा था, इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं? डरते हैं। आपको वो जियालाक वाला वाकया नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी? अच्छा। तो गया था ना जियालाक, क्या कहा था उसने? राजीव गांधी से इसी उन्हें यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा, तो चलेगी ना फौजें वापस। इंसानियत है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ फौज पाकिस्तान। हाफिज सईद को पाकिस्तान के अंदर मिसाइल से मार दूंगा। नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? वजह भी बताए ना, दुनिया देख रही है आपको। हाँ, देख तो रहे है कि क्योंकि इसने अच्छे काम किए हैं। कौन सा अच्छा काम किया आप बताएं? वो ही के ये इस्लामी भाइयों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा है। अच्छा। और ये बच्चे जो सपारा पढ़ते हैं उनको भी अपने कब्जे मौलाना है ना। हाँ, जो हुक्मरान है उनकी नजरों में हमारी टके की वैल्यू नहीं है, और यहाँ 1 रुपए की क्या वैल्यू होगी? हमको ये चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए। अच्छा। क्यों ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रात और हमला किया, उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। भारत में 1 रुपए का खाना दिया जा रहा है, ये जाना है कि वहाँ और पाकिस्तान पे हमला कर दे, कैसे हो सकता है ये? अच्छा। हमारी फौज मतलब जाग रही है, हमारी आवाम जाग रही है, हमारे जर्नैल जाग रहे हैं। अब तो हमारे जो जर्नैल हैं वो सैयद ज्यादा हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या जा रहा है पाकिस्तान में? इस तरह नहीं होता पाकिस्तान। एक रोटी हो गया यहाँ पे 15 रुपए की, और मैं तो 25 की सुनी है। 25 का नान है। अच्छा, 20 की रोटी है। 20 की रोटी है। और सालन की प्लेट कितने की है? सालन की प्लेट 80 रुपए की, या फिर 100 रुपए की मिलेगी। 1 रुपए की इधर 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। एक इंसान इंसान को दिखा नहीं दे सकता 10 रुपए की खातिर, कभी भी नहीं हो सकता। ये 70 सालों में हमारा हमसाया कितना आगे चला गया, और हम देखें आज भी आटे को रो रहे हैं, चीनी को रो रहे हैं, गुर्बत को रो रहे हैं, महंगाई को रो रहे हैं। अच्छा फूड नहीं हम खा सकते क्योंकि यहाँ पर इतनी महंगाई है, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तरह से यहाँ के मुसलमान ईद आने पर खुश होते हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं, हर तरफ रौनक है, चहल पहल है। क्या इसी तरह हमसे ज़्यादा जो मुसलमान इंडिया के अंदर है वो भी इसी तरह तैयारियाँ कर रहे हैं या नहीं?
नहीं जी, वो आजकल आपको पता है कि 3-4 साल हो गए हैं वो जब से वो उधर वो हमारे कश्मीरी भाइयों का मसला बना हुआ है। क्या मसला? तो यानी कि वो उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं नहाल वो लगाई हुई है और कर्फ्यू लगाया हुआ वहाँ पे, तो वहाँ नहीं मेरा ख्याल है कि ये चहल पहल होगी। कौन सा कर्फ्यू मुझे बताएं? 370 हटाया था उस टाइम लगा था, उसके बाद हट गया। G20 में 20 बड़े ममालिक जो हैं वो श्रीनगर के अंदर आए थे, अगर कर्फ्यू है तो कैसे मुसलमान फलस्तीन के अंदर उधर क्या हो रहा है? उनको उनका सोचना चाहिए, ये हमारे भाइयों का अमली कुछ करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, कुछ कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे। जुबानी कह देने से क्या होगा, अमली करना चाहिए। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, कोई कुछ नहीं हो सकता इस मसले का। मैं आपको एक वीडियो 2-3 वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, ये वीडियोस देखिएगा। ईद की तैयारियाँ वहाँ पे, इंडिया है ये। बहरहाल ये तो मानने में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमें नफरत पढ़ाई गई है सर, हमने सिर्फ दिलों में नफरत रखी हुई है। ये ठीक है, ये सब कुछ निज़ाम ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है जो तैयारी है वो ना मानने में आती है, क्योंकि वो हिंदू मज़हब है। वो आपको मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे लोग ना जुम्मे के दिन नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी पुलिस उनको आके ठुड्डे नमाज़ पढ़ते हुए उनको ठुड्डे मार रही थी, तो वो मुझे बड़ा ही आया कि एक बंदा हटा रहा है लेकिन पुलिस वाले उनके गले पढ़ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। शिद्दत पसंद तो हर जगह होते हैं ना, यहाँ भी मज़हब के कुछ ठेकेदार जो कि जाने पहचाने वगैरह कुछ भी कर जाते हैं, ऐसे तो यहाँ भी है ना, कंट्री में होते शिद्दत पसंद। तो आपको नहीं लगता एक आधे बंदे को लेकर पूरा हम पाकिस्तान बदनाम कर दिया, ऐसा तो नहीं ना हो सकता? नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर हर जगह मुसलमान तंग है? बिल्कुल, वहाँ पे हर जगह पे तंग, कई ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे वो हिंदू मतलब ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे अमन अमान भी होगा, ज़्यादा नहीं कि हर जगह पे ये होगा। और जैसे हमारा लाहौर शहर है, ऐसे शहरों में तो वहाँ पे जीना हराम किया होगा उन्होंने। भाई वो हमारे शुरू से हुक्मरानी है, वो अपना हिंदू की है। दिल्ली के अंदर इतने मुसलमान हैं, मुंबई के अंदर इतने मुसलमान हैं। बिल्कुल वो तो है, लेकिन वहाँ पे चलती तो नहीं ना होगी हुक्मरानी, तो आखिर वो हिंदुओं की है। हम क्यों सोचते हैं? आपको पता है वहाँ पर इंडिया हिंदुओं के बाद मुसलमान है, वो हिंदू जो ना हिंदू हिंदू हमारे इतना ख़िलाफ़ है, इतना ख़िलाफ़ है कि वो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इधर हमारे इंडिया में मुसलमान हो। अच्छा, तो फिर अभी तक निकाला क्यों नहीं? भाई उन देखो अब यहाँ पे भी हिंदू हैं, हमारी ना जमात का सिलसिला एक है सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का। अच्छा। ये सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी ये लुधियाने से आए थे इंडिया से। अच्छा। इंडिया से आके पाकिस्तान आए, उन्होंने पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से हिंदू ईसाई मुसलमान किए। ये देखिए मैं आपको उनका तस्वीर दिखाता हूँ। ये उनकी तस्वीर है, ये ऊपर वाली। इंडिया वाले पूछते हैं एक सवाल कि 47 के बाद हमारे जो यहाँ पर हिंदू थे वो 26% थे, अब 1% है, कहाँ गए? मैं आपको इसी बात पे ही आ रहा हूँ। अब इनके पास सिलसिला है, ये 98 में पर्दा कर गए। अब इनके पास सईद मोहम्मद आरफ साहब हैं, ये कसूर रोड पे। इन्होंने 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किया है, 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किया है। अब वो जो हिंदू 11,000 हिंदू ईसाई मुसलमान किए, मैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, मैंने कभी पहले ऐसा निज़ाम नहीं देखा, मैंने कभी इनसे बात नहीं की गैर मुस्लिम से। लेकिन अब वो क्या करते हैं कि वो जितने मुसलमान किए वो सब अब दीन फैला रहे हैं। अच्छा। वो दीन की अल्लाह की राह पर चले हुए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही अल्लाह की राह पर वक़्फ़ कर दिए हिंदुओं ने और ईसाइयों ने। जो जो हमारी इस मज़हब में मुसलमान हुआ है वो घर नहीं बैठा हुआ, वो अब दीन फैला रहा है। यहाँ पर जो मुसलमान हुए उनको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, लेकिन जो हिंदू अभी भी हैं उनको क्यों हम आगे नहीं आने देते? मुझे बताएं कि पाकिस्तान के किसी एक तबके में, अच्छा तबका हो, बड़ा लेवल हो, उसके अंदर हिंदू कोई हो। इंडिया के अंदर तो मुसलमान बड़े हुए हैं, बॉलीवुड देख ले, कोई भी जगह देख लें, वहाँ पर हिंदू मुसलमान बड़े हुए। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत के खानों के दीवाने हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में एक बार भारत में आएं और भारत के खानों को काफी ज्यादा टेस्ट करें, क्योंकि भारत के खाने जिस तरीके से उन्हें दिखते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। और दोस्तों भारत में जो खाने पीने की सामग्रियां हैं वो सस्ती हैं। पाकिस्तान के अंदर में वैसे ही क्राइसिस चल रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा खत्म हो गया है
वहां पर दोस्तों इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। और ईद के दिनों में दोस्तों बहुत महंगाई पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिली। और भारत में जिस तरीके से ईद की जो त्योहार आता है उस पर जो खाने पीने की सामग्री है उनकी कीमत घटा दी जाती है, इससे भी दोस्तों पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा खुश है। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पाकिस्तान के लोगों को समझ में आने लगा है कि भारत के जो मुसलमान है वो खुश तरीके से रह रहे हैं, कोई हत्याचार वगैरह नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।